Hey guys, in this video you get to know how to become a topper in CBSE board examinations. तो सबसे पहले है कि आप लोगों को NCERT जरूर पढ़ना है. NCERT is must because all the questions are from NCERT only. You just need other books for reference purpose only. And also in maths and science, maths और science में भी आपको सारे questions NCERT से ही रहते हैं. बस आप RS अग्रवाल, S चंद, श्रीजन ये सब अपने reference के लिए लेते हैं. तो NCERT को कभी neglect नहीं करना. Now the question is what to choose as a reference book. NCERT sufficient है boards के लिए, लेकिन आप अपने reference के लिए अगर कुछ books चाहते हैं science और math के लिए तो मैं इन books को recommend करूँगा, क्योंकि मैं personally इसको पढ़ चुका हूँ. तो physics के लिए श्रीजन best है, और chemistry में भारती भवन में काफ़ी detail में दिया हुआ है और काफ़ी short में दिया हुआ है, तो इसका कोई मैच ही नहीं है. आप बायो के लिए कोई भी ले सकते हैं, दोनों सही है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप आगे बायो लेने वाले हैं या मैथ्स. अगर बायो लेना चाहते हैं तो एस चांद ले सकते हैं. एस चांद से मुझे कोई परहेज नहीं है, यही है कि एस चांद में बढ़िया से एक्सप्लेन करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कॉन्टेंट दे दिया है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और कम्प्लीटली टाइम वेस्टेज है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. मैथ्स के लिए RD शर्मा अनबीटेबल है, इसका कोई तोड़ नहीं है, न RS अग्रवाल न अदर पब्लिकेशन. कितने घंटे पढ़े कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका IQ लेवल क्या है. हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कि डेली पढ़ें आप, कंटिन्यूसली पढ़ें.